11:19 अब बस चली, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। हवा आ रही है ठंडी बहुत, ठीक है कि जैकेट से पहनी है, बादल है धूप नहीं है तो ठंडा ही लग रहा है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। ये देखो जो सामने, वो देखो बादल जाने लग रहे हैं, कैसे बाप देखो कैसे जा रही है, दिख रही है, दिख रही है, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से कम है, उधर दूर से ज़्यादा दिख रही है। वो देखो ये इधर भी हल्का हल्का धुंध है, फ़ोन में नहीं दिख रहा है। वो देखो वो जा रहा है उधर से बादल भी, ये इधर से बादल ही जा रहा है, बस हम इधर हैं तो इधर का पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, देखो धुंधला धुंधला दिख रहा है ना पेड़ों के ऊपर से, ये उड़ रहे हैं। सत्य क्या भैया, यह जगह का नाम खेती वैल्यू पॉइंट बोलते हैं, ये एशिया में सेकंड बिगेस्ट वैल्यू हुई है। अपना राइट साइड में देखिए तो टोटल 36 प्लेस पर होते हैं, पूरा आदिवासी लोग अगर इनका ज्यादा बड़गास बोलते हैं, इनका काम देखिए तो मेन वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर करते हैं, इनका मेन काम है। अगर आप लोग कैंसर नीचे एक रेलवे का रास्ता दिखाकर देख लो, ये ऊटी से मेट पाए आने का जाने का रास्ता, इस तरफ का रास्ता वैली में खाली 5 जगह से देखेगा, ऊटी सिमला दार्जिलिंग मेरठ सोचा है। यहाँ पे इसका अंदर जाने के लिए आदमी को 10 रुपए टिकट लगते हैं। यहाँ पे एक टेलीस्कोप व्यू से देखे तो एक चर्च बता देगा, चर्च का नाम सेंट माइकल चर्च बोलते हैं, दरअसल पुराना चर्च है। आप लोग साजन मूवी में लास्ट शादी का सीन सब रहे ना, उसके अंदर से शूट निकल दिया। अगर आप लोग दिलशा मूवी में पहले गाने आ रहे ना, चाहे चाहे वो भी इसके यहाँ पे वही रेलवे ट्रैक पे निकल दिया, ऐसा बैठे नीचे उतरेगा सर पर ना। इधर सिर्फ 15 मिनट रोकेगा, 15 और वो उसमें भी बारिश आ चुकी है, बारिश आ रही है। बस वाला एक नंबर का घटिया ये लगा है कि बस मत करना, अपना जहाँ घूमना घूम लेना, थोड़ा महंगा पड़े या कैसा भी पड़े। हमने सोचा कि चलो घूमना तो है, जो चीज़ जगह हमें घूमनी थी वो इसके उसमें भी दिखा रहा था कि चलो वो भी हो जाएगा, और थोड़ा सा चलो अब के बाद ये ट्राई कर लेते हैं, एकदम बकवास रहा है बस वाला। अब 15 मिनट में कहाँ घूम गए, देखो देखते हैं। बारिश आ रही है जी, और बोला टेलीस्कोप से ओनली वो दिखेगा, चर्च दिखेगा, नहीं जा रहा है। बारिश आ रही क्योंकि वहाँ तक जाएंगे भीग जाएंगे, भीगे भीगे में फिर कहाँ घूमते रहेंगे, इसलिए कैंसिल कर रहे। इधर से ही देखते हैं, कोई फोटो वीडियो ले लेते हैं। जोर की बारिश आ गई जी, ये देखो बताओ कहाँ भीगते। ये आ गए जी चाय के बगान, अभी चाय के बगान दिखाने के लिए लेके आए हैं। ठंडा हो रहा है, वो ठंडी हवा आ रही है, बारिश तो नहीं आ रही, बादल घूम रहे हैं, धुंध धुंध सी दिख रही है ना, फोन में बिल्कुल कम दिख रही है, बादल बहुत ठंडी हवा आ रही है। ओ ये इधर जी आ गए, अभी तरना इधर टी फैक्ट्री है, इधर से लेके देखो, देखो बादल इधर नीचे, बादल इधर नीचे पड़े हैं ना, यहाँ पर उधर भी शिवलिंग भी है, खिड़की खोल देते कहीं जोर की ठंडी हवा आई है ना, ठंडी है। ये देखो बारिश, बारिश निकल रही है, बादल कितने बादल, कैसे बादल देखो, ये बादल है सारे, वो लगा हम बादलों में से जा रहे हैं बस। ये इधर के एरिया में जो पूरे बादल है, और तेल का है, ये तेल की फैक्ट्री, अलग अलग टी की वैरायटी रखी। अच्छा ये रहा, ये अलग अलग टाइप, ये रही चाय की पत्ती जो तोड़ते हैं। अंदर आपको आने के रास्ते में लम्बा लम्बा जहर दिखा ना, बेट की रोता नहीं, दस हो रहा है ये लम्बा लम्बा जहर दिखा होगा, उसके ही नाम बोलता है यूकेलिप्टस की, बोलते यूकेलिप्टस ऑयल बनती है, ऑयल जो अंदर को कैसा बनेगा, ऐसे लीफ को सुखा, वो रास्ते में थे जो बहुत सारे पेड़ हो सफेद जैसे, लीफ सुखा होने के बाद नीचे गिरेगा, गिरने के लीफ लेके ड्रम तक जब से पाइप बनते लेकर इसके जो ऊपर कोने का ऊपर कोल की इसका अंदर 250 किलो सूखा पत्ता डालती, डाल के 200 लीटर पानी डाल देगा, डालने के बाद इसको पूरा टाइट सील करके करता, ऑलरेडी ऑयल निकालने से इसका अंदर हम लोग को रिमूव किया ना, आपको पीछे दिख रहा, देखिए दिस ऑलरेडी रिमूव द ऑयल, ये लीफ को क्या करेगा नीचे से जलाती, जलाने से क्या होता है, हम लोग को डाला हुआ पत्ता पानी दोनों उबालने के बाद स्टीम आ जाती, कुकर का स्टीम कैसा बनता है, स्टीम आएगा, वो स्टीम आने से बहुत गर्म गर्म के लिए यहाँ ठंडा पानी, पानी को खोलने से वहाँ से स्टीम आके यहाँ ठंडा हो जाती है, ठंडा होने के बाद ऑयल एंड वाटर दोनों नीचे आएगा, नीचे आने से क्या होता है आपको पानी का डेंसिटी ज्यादा, पानी नीचे चल रही है, ऑयल का डेंसिटी कम, ऑयल ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे छोटा कप रखे, आदमी यहाँ बैठ के ऑयल का रिमूव करती है, इसको प्रोसेसिंग यही है, सी दैट ऑयल एंड वाटर, ओके, डाउन ऑल्सो वाटर, टॉप ऑल्सो ऑयल, कभी ऑयल पानी दोनों मिक्स नहीं होती,
ओके, पानी का डेंसिटी ज्यादा, पानी इज डाउन, ऑयल का डेंसिटी कम, ऑयल इज अप, ओके। दिस ओनली फॉर जॉइंट पेन ऑयल, जॉइंट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, मसल्स पेन, एनी पेन, ये मेटेरियल आपको यूकेलिप्टस जा रहे हैं ना उसको रूट से बनते, यू नो मू आयोडेक्स वॉलिनी वो सब इसमें बनती। ये पुराना पेन भी ठीक होगा, दिखने के पानी जैसे दिख रहे, एक ड्रॉप ऑयल निकाल के हम लोग प्लास्टिक को ऊपर रखे गर्म किया तो प्लास्टिक मेल्ट होती है, ओके। और ये जो हीना, हीना मतलब माइग्रेन, माइग्रेन जिस कोल्ड वीजिंग साइनस, इसको हॉट वाटर में डाल के उसको स्टीम करना। अब लोग अभी देखा ऑन द वे चाय का गार्डन, ये सारा सिंगारा टी एस्टेट, एस्टेट नेम ऑफ द सिंगारा, दिस ओल्ड हिंदी एक्टर मुमताज, उनका हस्बैंड नेम ऑफ द मयूर मधुवानी, इनके टी गार्डन है। अब लोग सीधा चले वहाँ पर, आपको चाय कुछ पीने के लेने का तो वहाँ मिलेगा, वो देख के बाद में आपको ऑयल का बारे में से बताएगा, ओके प्लीज गो इन साइड, ओके। टी जर्नी का लिखा है जी, पत्ता था ऐसे ऐसे, वो ग्रीन टी का है। ये ले दाल रखे इधर तोड़ के, ये इधर जी चॉकलेट बना बना के रखी है, बनाने का प्रोसेस वगैरह भी है। ये देखो ये बड़े बीन्स, चॉकलेट बीन्स ही रहे। चाय का ट्राई देते हैं जी, देखते हैं कैसा चाय है। ये जी चाय ट्राई करते हैं, फिर लेना हो तो आपको मर्जी है ट्राई। ये ग्रीन टी, ओके ये ग्रीन टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी का टेस्ट तो जी पहचान सकते हैं। ये मसाला चाय, ये मसाला चाय उसके ऊपर ये पी सकता है। ये जो मसाला चाय, इलायची फ्लेवर है, काफी इलायची का जो फ्लेवर आ रहा है इसमें। ये है जी चॉकलेट, दिखने में तो वैसे ही है, ये चॉकलेट ही देखते हैं कौन सा है। हाँ इसमें थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर, फ्लेवर तो आ रहा है चॉकलेट का। इधर सब, इधर जी ऑयल वगैरह ये सब भी है इधर, देखते हैं कुछ। ये इसमें क्या ऐसा कलर कैसे आ गया इसका? रेट को नहीं देखना, एक बार डॉक्टर का पास जरा, 80 रुपए कच्चा होता है। इसका कलर ऐसे कैसे आया वो नहीं पता जी। ये सर हर्बल आइटम, घर में रखो, कभी भी इसको ना लिमिट मांगे। रोज पेटल्स वाटर इंग्रेडिएंट में दे लिख रखा है। ये जी सब रखा है बट समझ में नहीं आया क्योंकि चीज़ों पे ना तो फुल इंग्रेडिएंट लिखे इन्होंने और ऐसे ही कॉस्टली है काफ़ी, ऑनलाइन सस्ता रहता है तो नहीं लेंगे इसलिए। मसाला टी ले लिया, ग्रीन टी के बाद, ग्रीन टी के बाद वही पिलाया, उसके बाद चॉकलेट पिलाया, उसके बाद कॉफी पिलाया, कॉफी। ये इधर चॉकलेट हुआ जी, चॉकलेट ये, अच्छा इनके अंदर काजू होगा। इसके अंदर बादाम, बादाम के ऊपर चॉकलेट लगा रखा है, टेस्ट तो सही है। पाइनएप्पल, कीवी, ब्लैकबेरी, किसी चॉकलेट पे वॉलनट लगा दिया, किसी को डेट्स लगा दिया, डेट्स नीचे ऊपर चॉकलेट, किसी में बादाम, किसी में काजू, किसी इसमें फिग है, उनके ऊपर चॉकलेट लगा रखे सब पे। बाहर तो जी बारिश आ रही, बस मसाला टी लिए जी फूफा जी ने, और कुछ ले लिया, बाहर निकल तो आ गए पर भैया बैठ जी फिर। हम जा रहे हैं, ये आई जी दौड़ के वॉशरूम में, हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चलते हैं जी यहाँ से। इधर चाय के बगान में फोटो वोटो तो नहीं ली, बोल रहा है आगे रुकेंगे अच्छी जगह, देखते हैं। टाइम हो गया जी 1:20, अभी रुक चुके हैं खाने के लिए, इधर ही अंदर ही लंच के लिए। ये इधर चूल्हे पे पता नहीं पानी वानी गर्म कर रहे हैं, ये थाली लगाने लग रहा है, देखते हैं क्या। बारिश हो रही है जोर की, देखो बारिश हो रही है, ठंडी लग रही है। चाय के बगान में बैठ के लंच करते हैं जी आज तो, ये बगान रहे फूफा जी, चाय के बगान में लंच करो आज तो।
और जो बारिश ने तो ये जैकेट वैकेट पहना है ना, बहुत सही है, बहुत ठंडी सी लग रही है, ऐसे ठंडा हो रहा है। ऊपर से इधर से मुझे पानी आ रहा है इसमें यार, इधर कर रही है चिड़िया, चीज चीज चिड़िया बोल रही है इधर, ये देखो ये बैठी, ये बैठी, वो बैठी उधर, कभी ऊपर से ही चिड़िया काम कर दे। ये देखो जो ऐसी चेयर है लकड़ी की, यो तो उधर अच्छा है, बारिश आ रही, अच्छा है, जाली लगी, जाली नहीं लगी ना, और अच्छे फोटो वोटो आए। ये आ गया जी लंच, वही है तो और भी कुछ, पर और का टेस्ट भी ऐसा ही मिलेगा। ये मील्स है, ज़्यादा सही तो लग नहीं रहा, पर भाई पेट भर लेते हैं। बुआज यार लग कर दिया शुरू खाना, तो मैं भी करती हूँ। टाइम हो गया जी 1:56, खाना खा के चल चुके हैं यहाँ से। अब देखते हैं कहाँ का टूर है। अभी ये उजाला आया, अभी पेड़ वेड़ के पीछे बादल है, बारिश हो रही है, बारिश में ही खाना खाया बैठे आज, तो खाना अच्छा नहीं था, उसमें तो थोड़ा सा ऐसे खाया। बताओ छत भी नहीं है हमारे पास, तो बारिश में तो भीग जाएंगे हम, तो पहले ही ठंडी है यहाँ जी। 30 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी, फिर ऊपर जाना, ऊपर व्यू पॉइंट आई देखो, ये देख बारिश में कैसे फोटो, फोन और खराब हो जाएगा। व्यू पॉइंट है ऊपर, हाँ तो पेड़ कितने सारे, बारिश आ रही है, पेड़ भी टपकने लग गए। बुआ जी फूफा जी तो मना कर रहे हैं जी कि बाहर जा रहे, बोल कपड़े भीग जाएंगे। और आ इससे क्या, तो सही रहे हैं, ले ली पर टिकट अभी, अरे आ जाओ, फोन और खराब ना हो जाए, हस्बैंड का तो अपने आप ही खराब हो रहा है, ठीक हुआ ही ना, कल गए थे मिला नहीं, ठीक हो गए। पेड़ ही पेड़ बारे पेड़, ये नहीं सीधी बारिश नहीं गिर रही, टक्के गिर रहे हैं पेड़ पे से। आ जाओ, रह गए सब नीचे, मैं आ गए, अब इधर भीग रही हूँ। यासी आओ ना, बारिश में घूमना नहीं हो रहा सही से, भीगे ना जल्दी जल्दी आने के चक्कर में, थक गए। पहाड़ी के ऊपर ही चढ़ के ये हाथी फोटो, बारिश ने काम खराब कर दिया। काफी ऊपर आ चुके हूँ, उधर से बारिश हो रही है, योशी नहीं मानी, मैंने कहा था बेटे रहने दे, क्या जरूर बारिश में कौन सा फोटो लिया जाएगा जी, मानी नहीं, फोटो भी धूप में ही अच्छे आते हैं, बारिश में फोटो भी अच्छे नहीं आ रहे, बादल से हैं, धूप में अच्छी आती फोटो। पहुँच गई सब पीछे पड़े, मैं तो आ गई दौड़ के, ओ पहाड़ी पे तो इसमें फिसल गए, तो ऐसे भाई लिप्टन हो रही है। कहाँ खड़ी हूँ, यहाँ थोड़ा सूखा है, यहाँ होती है, यहाँ कम्बूंदे गिर रही हैं। अब देखो बारिश हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या दिख रहा है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा ना जी। इधर से दिखे एक पहाड़ी है, जिसकी जो दिखने में डॉल्फिन के जैसे, डॉल्फिन की नाक बोलते हैं ना, ऐसे डॉल्फिन की नोज है वो, है डॉल्फिन नोज जैसी दिखती है, उसके देखने के लिए और ऊपर आ गई, वो तो नीचे उधर छोड़ के आ गए, अब बोले इतना ऊपर आ गए, टिकट भी ले ली थोड़ा ऊपर, चलो इधर से ना दिखे, और इधर रास्ता आगे जाने के लिए इधर से, ये देखो कैसा है जी, और ऊपर है, कितनी ऊपर तो चढ़ा दिए, बारिश ना हो रही है तो सही है, आ जाते आराम से, बारिश कपड़े हो गए गिल्ले, मेरे ऊपर की कोट ना गिल्ली हो चुकी है, अरे सूखेगी नहीं, अरे ठंडी लगा देगी, और परेशान कर दे फूफा जी बुआ जी सब परेशान हो गए। डॉक्टर का और दियो 2-4, फिर बीमार हो गए, तो ये जी शायद इसका एंड है, ये ऊपर बना रखी, इधर पहुंच गए बस। पहाड़ियाँ भी तो ऐसी हैं ये, और गिल्ली हो रही हैं और फिसलने वाली, अब नीचे भाई आराम से आना, ऐसा रास्ता है, गिल्ला है गिल्ला, इधर भाग गए इधर भीग गई, वो तो अच्छा तेरी सीटों से वो भी नीचे हो जाए खड़े, चल भाग फोन भी भेज गो, और अभी सीढ़ी बना रखी सी, चढ़ियो सी थक गए। इधर बंदर 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 जी बंदर 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 यर 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 ओली जी ओली इधर उले। ये देखो जी फोटो के लिए, फोन का ध्यान रखना, फोन भी खो सकता है, देख लो चिटको तीन मीटर रहो जी। ये देखो जी बजरंग बली को वो लग रही है जी, ठंडी लग रही है, इधर आ जाएगा, हाँ उससे बच रहा है बारिश से, पर ये ठीक है कि डर नहीं रहा, देख लो आराम से आया भी गया नीचे जी। ऊपर आना सफल हो गया कि हनुमान जी के साथ अच्छे से फोटो ली गई, वो भी एकदम शांत आराम से बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोला, डर रहे थे ये तो पता नहीं, कुछ खाने के लिए हमारे पास था नहीं बैग में, थोड़ा दे देते मतलब कुछ देते तो, पर अच्छे फोटो भी ले लिए, वीडियो में भी हो गया। अब चलते नीचे, बारिश हो गई, पूरा गिला हो चुका है, बुआ जी थोड़ा सा चले गए पहले,
मैं योशी हस्बैंड अभी जा रहे हैं, बारिश आ रही देखो पूरा, ये तो ठंडी लगने लग गई। आने का भी दूसरा रास्ता है, ये है तो वैसा ही जी, पर ये थोड़ा दूसरी साइड से है, इधर से नीचे जा रहे हैं भे, वो जा रहे जी बुआ जी यार आगे थोड़ा थोड़ा करके ना पूरे कपड़े गीले हो गए, नाक भी मेरे तो सुपड़ सुपड़ से होने लग गई है, क्योंकि वही है ठंडी लग रही है ना, दिख नहीं रही है, कपड़े गीले हो गए। चलते हैं अभी, एक दो जगह और है बाकी जो वो दिखाएगा। ये देखो जी बीच में से ये रास्ता है, साइड में से देख लो इधर भी ऐसे पेड़ योशी को लग गई खसखस, ये ठंडे इधर भी यही पेड़ है, बस इस तरह का सा रास्ता है। अच्छा ये जी इधर बना रहे हैं चाय तोड़ने वाले, ऐसे बना के कोई फोटो खींचे तो चाय तोड़ने वाले बना के, मैं तो ये देख के आऊं अम्मा चाय कैसे तोड़ती है। इधर हमें बस में ही हमारे साथ में ये भी हमारी तरह हिंदी बोलने वाले हैं, तो इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल हो गए इनके साथ में हमें घूमना, और इनको हमारे साथ में अच्छा लग रहा है, हमें इनके साथ में अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं और साथ में बहुत सारे फोटो ले लिए, वीडियो में भी आ गए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम हो गया जी 2:40 अभी यहाँ से चल चुके हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आता है। ये देखो जी बादल दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, देख लो इतने जोर से ही, ये देखो बादल बिल्कुल नहीं दिख रहा, बादल हम भी बादल वैसे ही जा रहे हैं, पर वही है हमें नहीं फील हो रही वो चीज, नहीं देखो कुछ नहीं दिख रहा, हवा इतनी जबरदस्त आ रही है, बहुत ठंडी है, पता नहीं गाड़ी गाड़ी लग गई है, एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा शायद, कैसे जंगल में ले आया जी, पेड़ ही पेड़ पुराने बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे बहुत। ये देखो जी क्या नजारा है, हाथ कप कप आए पर मेरे तो ठंडी से बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल जी टावर पे, और यहाँ से ये है व्यू बहुत खूबसूरत है, बस मन ये कर रहा है कि क्लिक 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 करते रहे। ये देखो बहुत खूबसूरत, चलते अभी नीचे, देखो सामने का कितना अच्छा है। लास्ट स्टॉप है जी गार्डन का, एक बोटैनिकल गार्डन, तो वो जाके देखते हैं, घंटा दिया है उसने, एक नहीं घंटे से थोड़ा कम टाइम हो गया 4:50, और उसने बोला है 5:45 का 6:45 का, देख के आते हैं किधर है, इधर ही कहीं है, ये आ गए जी यहाँ से, अब टिकट ले भाई, टिकट वाला लफड़ा फिर से टिकट लो, इसका टाइमिंग है जी 7:00 से 6:30 तक, टिकट लेते हैं अभी, बड़ों की जी 50 रुपए की टिकट है, बच्चों की 30 की टिकट है, 10 से छोटे हैं उनकी 30 की, बाकी की 50 के, तो टिकट लेके चलते हैं। ये दीजिए अभी जा रहे हैं इनका और कहीं का टूर है, इधर नहीं आएंगे, ओके बाय दी, नाइस टू मीट यू। अच्छा लगा जी मिलके नए लोगों से, अभी पहुंच गए ये लोग, आगे में रह गए पीछे, ये कुछ डिजाइन बनाया हुआ है इसमें, वही यही शायद पेड़ वेड़ है, पब्लिक तो काफी है, देखो कितनी भीड़ है निशु का देखो, चल चल के सुबह से बच्चा थक गया तो सही है। गार्डन इधर तो जैसे ही है कुछ, रात में बैठ के फोन ऑर्डर करना फूफा जी, इधर फूफा जी का फोन भी थोड़ा सा ऐसा ही काम करे, तो नया देख के आए हैं, सैमसंग का आया कोई नया 1,00,000 का, और एक और देख जो फोल्ड हो जाता है ऐसे मुड़ जाता है, एक देख के आए वो 1.5 का, मुझे ले लो फूफा जी लेंगे अभी, नए हस्बैंड को नया लेना पड़ेगा, उनका भी ठीक नहीं हुआ। ये जो दो ही दिख रहे हैं, ये तो नीचे का तो खराब हो रही है, देखो कितने बड़े फूल है,
नया कुछ दिखा है, मतलब थोड़े हैं लोटस भर गए से, पर ये दो ही दिखे और नहीं दिखे। एक नीचे, ये इधर ऐसे जी, फिर से बारिश आने लग गई। बस ये पेड़ वेड़ झाड़ वाड़ यही देख लो इसमें, तो और कुछ नहीं है। ये जो फोटोग्राफी हो रही है, इधर देखो इंडिया का मैप बना हुआ है और सब उनमें नाम लिखा हुआ है सबका, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मतलब सारे स्टेट के नाम लिख के ना सुना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और ये कोलकाता का है। पता है नहीं, सुनो मुझे से अगुर। इधर भी जी कुछ बनाया हुआ है, क्या है, कोई कहीं से लगाया, बारिश आने लग गई फिर से। ओ ये देखो जी, ये भी कुछ बना रहा है, दिल में सुंदर है ये जो बहुत अजब सा पेड़ है, देखो शेप भी देखो, और बहुत भारी है नीचे से, पास से वीडियो नहीं बना पाई मैं। चलते हैं, बारिश आ गई, थोड़ी ज्यादा भीगने लग गए हम लोग, पहले भीग गए थे, फिर सूख गए थे, और फिर से भीग गए हैं, नहीं तो फोटो वोटो तोड़ ले लेते, वीडियो बना लेते, टाइम तो अभी है, पर बारिश में भीग रहे हैं। ये देखो ये सब इधर पब्लिक है, सेंचुरी पिलर है, ये रहा इधर, आ जा योशी, आज बारिश में भीग रही, भागियो। देखो जी एक और अजीब सा पेड़, इसमें बहुत अलग अलग तरह के पेड़ है, इधर जो कोई फेस्टिवल बनता है ना ये गार्डन वाला, उसको 100 साल हो चुके हैं पूरी, वो दिखाए थे मैंने इसका जुबली वाला पेड़। देखो पेड़ों के तो बहुत अलग अलग सी वैरायटी, बारिश में भीग गए। पेड़ के नीचे भी नहीं है ये पेड़, भी अजीब सा कैसा, देखो हाँ थोड़ा सा कम है। बारिश हो रही है जी, लेकिन फिर भी देख लो कितनी पब्लिक है, भीड़ भाड़ हम तो आ गए जी क्योंकि बारिश में भीग रहे थे। टाइम हो गया 5:25, तो टाइम तो अभी और था हमारे पास, और था टाइम पर चल दिए हम तो जी। इधर आ गए कि शॉप में बारिश के नीचे खड़ा हो गया क्योंकि बारिश वाले भीग चुके हैं कपड़े, भाजी ले रहे हैं रंगोली, क्या ये फूल पता नहीं कैसे लेके बैठी है अम्मा, वो वाटर में खिलेगा क्या? एक साल खिलेगा बोल रहे हैं, पानी में नहीं लगाना, मॉर्निंग में खिलेगा, नाइट में ऐसे हो जाएगा। क्या उसका फिर से बोलना, एवरलास्टिंग, ये नाम है, ये कलर का दिखा रहा है, ये देखो ऐसे बना दिया है प्लमर, एक साथ कलर डालते हैं ऐसे, कलर लिया जी, जो भी कलर आप मिक्स करना चाहते हो वो मिक्स कर लो, उसमें भर लो, मतलब 3 भरने या 4 भरने, वो भर लिया, कपड़े धागे से बंद कर दिया, साइड हो जा रहे, बना के दिखा रहा है, फिर इसको ऐसे रख के ऐसे रोल कर दो, जो भी बनाना हो ऐसे बन जाएगी। सिस्टर बाबी फैमिली का एनी गुड वन, 2 मंथ इज कमिंग फॉर दीपावली, वेरी स्पेशल फॉर अंगुली डे, ऐसे बन जाएगी, कलर निकलते रहेंगे इसमें। टाइम जी 6:45 चल पड़े हैं बस में, फोन की बैटरी सिर्फ 4%, फोन को भी स्विच ऑफ कर रही हूँ, रूम पे जाके ऑन करती हूँ।